जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें अपने दो, रोज़ उसे थोड़ा बढ़ने दो, छूलेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबको देखकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने सीखा था उचित तरीके के असहमति व्यक्त करने के चरण। हमें एक दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण पर ध्यान देना चाहिए, दो दूसरे व्यक्ति को असहमति का कारण बताना चाहिए, तीन कारण और तर्क या प्रमाण के साथ अपनी राय सामने रखनी चाहिए, चार जवाबी तर्क के लिए तैयार रहना चाहिए। असहमति के संदर्भ में मुझे महात्मा गांधी द्वारा कही गई एक बात याद आई। ईमानदारी से व्यक्त की गई असहमति अक्सर विकास का अच्छा संकेत होती है। नए विचारों के अलावा असरदार असहमति और भी सकारात्मक परिणाम होते हैं। क्या हम एक क्रियाकलाप के द्वारा इनके बारे में जानें? यहां कुछ शब्द या वाक्यांश दिए गए हैं जो असहमति के सकारात्मक परिणामों के बारे में बताते हैं। आइए एक शब्द पहेली के द्वारा ये देखें कि ये क्या है। इन शब्दों या वाक्यांशों के अक्षर उल्टे पुल्टे हैं। आपको अक्षरों को सही क्रम में लगाकर शब्द और वाक्यांश पहचानने हैं। क्या हम तैयार हैं? बहुत अच्छा प्रयास किया आप सबने। सबसे पहले बताए गए परिणाम को इस सूची में जोड़ते हुए हम देख सकते हैं कि असहमति के सकारात्मक परिणाम ये होते हैं। असहमति के सकारात्मक परिणाम, एक नए विचार, दो बेहतर तरीके, तीन परिवर्तन, चार नवीन प्रक्रिया, पांच संसाधनों का बेहतर उपयोग, छह नए कौशल। अब एक और परिस्थिति पर ध्यान देंगे। राधा और सीता अच्छी सहेलियां हैं। वे सोच रही हैं कि गर्मी की छुट्टियां कैसे बितानी चाहिए। राधा ने स्कूल के मैदान में खेलने का सुझाव दिया। सीता ने कहा कि वे अगले वर्ष के पाठ्यक्रम का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। राधा ने कारण के साथ एक और तर्क दिया। आखिर में उन्होंने कराटे सीखने का निर्णय लिया। क्या दो विद्यार्थी स्वेच्छा से आगे आकर इसका अभिनय कर सकते हैं? धन्यवाद। क्या आपने देखा कि यहाँ क्या हुआ? जब पढ़ाई और खेलकूद इन दो विचारों के बीच काफी असहमति हो चुकी थी तो कराटे का नया सुझाव सामने आया। तो असहमति से नए कौशल सीखने के अवसर सामने आते हैं। चलिए अगली परिस्थिति देखते हैं। सुकुमार और कादर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सुकुमार ने सुझाव दिया कि साथ बैठकर पढ़ना चाहिए। कादर ने पहले कभी इस तरह की पढ़ाई नहीं की है, इसीलिए वह ऐसा नहीं करना चाहता।
सुकुमार ने उसे समझाया कि साथ बैठकर पढ़ने के क्या फायदे होते हैं। कादर उसकी बात से सहमत हो गया और दोनों ने मिलकर पढ़ने का निर्णय लिया। क्या आप दोनों इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रयास था। अलग सुझाव स्वीकार करने के क्या फायदे थे? कादर ने परीक्षा की तैयारी करने का एक नया तरीका सीखा। जब उचित तरीके से असहमति व्यक्त की जाती है तो उसके बहुत से सकारात्मक परिणाम होते हैं। हम काम करने के नए और बेहतर तरीके ढूंढ सकते हैं। इससे हमें चीजों को बदलने का मौका भी मिलता है। अक्सर हम चीजों को एक ही तरीके से देखते हैं और उसी तरीके को सही मानते हैं। हमें नई बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि जो हमारे साथ उचित तरीके से असहमत होते हैं वो हमें कोई बेहतर बात या चीज को अपनाने के लिए मना सकता है। असहमति से हमारी सोचने की प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है और हम बिना सोचे समझे चीजों को स्वीकारने से बच जाते हैं। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। दो भाई राम और श्याम खेल रहे थे, तभी बारिश होने लगी। राम सुझाव देता है कि टीवी देखना चाहिए। श्याम बारिश में भीगना चाहता है। राम ऐसा नहीं करना चाहता। तभी राम को याद आता है कि उनके पास घर पर कैरम बोर्ड है। श्याम कैरम खेलने के लिए तैयार है, पर हमेशा की तरह आम तरीके से नहीं खेलना चाहता। वह सुझाव देता है कि ऐसे ही मस्ती करने के लिए कैरम को नए नियमों के साथ खेलना चाहिए। राम इस बात के लिए तैयार हो जाता है। क्या आप दोनों इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। तो यहाँ क्या हुआ? उचित तरीके से असहमत होने से वे एक नई संभावना का पता लगा पाए। केवल यह नहीं, उन्होंने एक नया खेल भी बनाया। नवरचनाएं तभी हो सकती हैं जब हम वर्तमान में काम आ रहे तरीकों या प्रथाओं से असहमत होकर उन पर सवाल उठाएं। इससे हमें यह सोचने का मौका भी मिलता है कि हम उपलब्ध वस्तुओं का प्रयोग किस तरह कर रहे हैं। जैसे कि इस उदाहरण में राम और श्याम के पास जो चीज उपलब्ध थी, यानी कि उनका कैरम, उसी का प्रयोग करते हुए उन्होंने एक नया खेल बनाया। क्या अलग तरीके से सोचने से आपको कभी कोई नए विचार आए हैं? परिणाम स्वरूप क्या आपने उपलब्ध चीजों का बेहतर प्रयोग किया है? कृपया इसके बारे में सबको बताइए। धन्यवाद। उचित तरीके से असहमति व्यक्त करना भी एक कौशल है जिसे सीखकर अभ्यास करना पड़ता है, तभी हम उसमें माहिर हो सकते हैं। सही शब्दों का प्रयोग करना और उचित हाव भाव दर्शाना भी जरूरी होता है। बात करते समय स्वर और गति का भी ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए यह बात, तुम सही हो, पर इसे
दूसरे नजरिए से भी देखा जा सकता है। मधुरता से कही जाए तो यह बात ज्यादा आसानी से स्वीकार हो जाएगी, जबकि इसी बात को कटु या निंदापूर्ण स्वर में कहा जाए तो अप्रिय लग सकती है। क्या अब हम एक और क्रियाकलाप करें? क्या दो विद्यार्थी स्वेच्छा से आगे आकर मधुर, कटु और गुस्सैल तरीकों से यह व्यक्त कर सकते हैं? तुम्हारी बात में दम है, लेकिन धन्यवाद। जब अप्रिय बात को जोर से कहा जाता है तो वह और आक्रामक लगती है और गलतफहमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसी तरह हमें भी अपने शारीरिक संकेतों और चेहरे के हाव भाव पर ध्यान देकर उनमें तालमेल बनाए रखना चाहिए। इसके बारे में हमने पिछले कुछ सत्रों में सीखा था। हमें इनका अभ्यास करके इनसे पूरा फायदा उठाना चाहिए। इसके अलावा कुछ मनोवैज्ञानिक कौशलों पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि असहमति को ठंडे दिमाग से सुनना, जवाबी तर्क के प्रति सहनशील होना और भावनाओं पर काबू करना। चलिए अगला क्रियाकलाप करते हैं। आपको एक विचार पसंद नहीं आया, फिर भी आपको उसे स्वीकार करने को कहा जा रहा है। आप पहले मुस्कुराए, फिर परेशान हुए और बाद में गुस्सा आया। आपने गुस्से में कहा, तुम जो भी कहते हो मैं वो सारी बातें नहीं मान सकता या मान सकती। अपने विचार अपने पास रखो। क्या आप इन तीनों भावनाओं को व्यक्त करते हुए यह कह सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रयास था, धन्यवाद। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। चित्रा को शास्त्रीय संगीत सुनने का बहुत शौक है। उसने अपनी सहेली काव्या से एक संगीत समारोह में साथ चलने की जिद की। काव्या को संगीत से ज्यादा नृत्य में दिलचस्पी है। उसने तुरंत तेज आवाज में जवाब दिया, मुझे हर बार तुम्हारे साथ जबरदस्ती शास्त्रीय संगीत सुनना पड़ता है, तुम ही जाओ वहां अकेली, मैं नहीं आने वाली। यह सुनकर चित्रा ने कहा कि अब वह उसे कभी भी कहीं आने के लिए नहीं कहेगी, फिर चाहे वह कोई फिल्म या नृत्य का कार्यक्रम ही क्यों ना हो। काव्या को केवल संगीत समारोह से परेशानी थी, पर उसकी तेज आवाज की वजह से चित्रा बुरा मान गई और उनकी दोस्ती में दरार आ गई। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि गलत तरीके से बात करने की वजह से कोई गलत फहमी हो गई हो? कभी आपके दोस्त ने आपके साथ गलत स्वर में बात की हो, या फिर आपने किसी के साथ ऐसा किया हो? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। परिस्थिति के अनुसार हमें अपनी असहमति धीमे से या फिर पूरे जोर के साथ व्यक्त करनी पड़ती है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। परीक्षाओं को खत्म करने के बारे में एक सामूहिक चर्चा हो रही है। आपसे पहले जिसने अपने विचार बताए थे, आप उससे असहमत हैं। आप अपना वाक्य कैसे शुरू करेंगे?
एक, नहीं तुम गलत हो। दो, मैं तुमसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ क्योंकि मैं इसे अलग तरीके से देखता हूँ या देखती हूँ। तीन, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं तुम गलत हो और ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता अनुचित है क्योंकि आप कोई भी कारण बताए बिना असहमति व्यक्त कर रहे हैं, जबकि यह बात मैं तुमसे पूरी तरह सहमत नहीं हूं क्योंकि मैं इसे अलग तरह से देखता हूं या देखती हूं उचित है क्योंकि इसे आराम से और शिष्टता से व्यक्त किया गया है। हम उचित शब्दों के प्रयोग के बारे में चर्चा कर रहे थे। कुछ उपयोगी कथनों को सीखने से हम वास्तविक जीवन में उनका प्रयोग कर सकते हैं। परिस्थिति के अनुसार हम सहजता से या फिर जोर से असहमत हो सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए क्या हम कुछ कथन देखें? मैं आपको कुछ कथन दूंगी। आपको पहचानना है कि इनमें से सहज भाव वाले कौन से हैं और जोर से कहने वाले कौन से। वास्तव में तुम्हारा यह मतलब नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल असहमत हूं। मुझे पूरा यकीन नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारा विचार गलत है। मैं इस बात से असहमत होना चाहता हूं या चाहती हूं। मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता या सकती। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तुम इस बारे में गंभीर नहीं हो सकते। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि तुम सही हो। वैसे यह तो कई बातों पर निर्भर करता है। बहुत बढ़िया। क्या हम उत्तर जांच लें? सहजता से असहमत होना, पूरा जोर लगाकर असहमत होना। वैसे ये तो कई बातों पर निर्भर करता है। मुझे पूरा यकीन नहीं है। मैं इस बात से असहमत होना चाहता हूं या चाहती हूं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? अच्छा, मुझे नहीं लगता कि तुम सही हो। मुझे लगता है कि तुम्हारा विचार गलत है। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हो सकती या सकता। मैं बिल्कुल असहमत हूँ। वास्तव में तुम्हारा यह मतलब नहीं हो सकता। तुम इस बारे में गंभीर नहीं हो सकते। याद रहे, यह केवल एक रूपरेखा है। परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें इनमें उचित शब्दों को जोड़ना होगा और उचित तरीके से असहमत होने के चरणों को भी ध्यान में रखना होगा। क्या अब हम इनका अभ्यास करें? आपको एक विषय दिया जाएगा। आप जोड़े बनाकर उचित हाव भाव व शब्दों के प्रयोग से अपनी असहमति व्यक्त करेंगे। बाद में कुछ विद्यार्थियों को कक्षा के सामने अपनी चर्चा पेश करने का मौका दिया जाएगा। क्या हम तैयार हैं? विषय यह है, वाहन चलाने का लाइसेंस लेने के लिए सही उम्र क्या है? आपने अभी जो कथन सीखे थे उनका प्रयोग करने का पूरा प्रयास करें। धन्यवाद। हमें इन बातों पर अमल करके उचित तरीके से विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। हमें जवाबी तर्क का आदर करना चाहिए।
और उन्हें गलत नहीं समझना चाहिए। मैं दोहराती हूँ, हमें जवाबी तर्क का आदर करना चाहिए और उन्हें गलत नहीं समझना चाहिए। हमें असहमति शिष्टता से व्यक्त करनी चाहिए और दूसरों को अपने विचार व सुझाव बताने चाहिए। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? असहमति के सकारात्मक परिणाम, 1 नए विचार, 2 बेहतर तरीके, 3 परिवर्तन, 4 नवीन प्रक्रिया, 5 संसाधनों का बेहतर उपयोग, 6 नए कौशल। परिस्थिति के अनुसार हम मधुरता से या फिर जोर से असहमति व्यक्त कर सकते हैं, पर हमें हमेशा शिष्ट रहना चाहिए। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें अच्छी तरह समझ आ जाए? प्रश्न 1, आपको एक चित्र बनाने की जिम्मेदारी दी गई है जो उपहार के रूप में स्कूल के एक अतिथि को दिया जाएगा। चित्र पूरा करके आपने अपनी शिक्षिका को समारोह की पूर्व संध्या पर दिखाया। शिक्षिका ने उसमें कुछ चीजें सुधारने को कहा। आप जानते हैं कि ये सुधार रात तक नहीं किए जा सकते, आप क्या कहेंगे? उत्तर 1, ठीक है, पर यह एक उपहार ही तो है, इसमें इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता है? 2, मुझे डर है कि इतने कम समय में मैं ये चीजें नहीं बदल सकती या सकता, तो क्या हम ऐसे ही दे दें या फिर कोई और उपहार लाएं? 3, हमें अतिथि के लिए कोई और उपहार लाना चाहिए। प्रश्न 2, आप अपने दोस्त से मिलने उसके घर गए हैं। उसकी माँ ने आपको चाय बना कर दी, आप चाय नहीं पीते, आप उन्हें क्या कहेंगे? उत्तर 1, आंटी मुझे चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। 2, मुस्कुरा कर कहेंगे, धन्यवाद आंटी, मुझे चाय पीने की आदत नहीं है, मैं सिर्फ पानी पीऊंगी या पीऊंगा। 3, छी मुझे समझ नहीं आता कि लोग चाय क्यों पसंद करते हैं। क्या आप अगली बार आने से पहले यह कार्य पूरा करके लाएंगे? तब तक के लिए अलविदा। प्रश्न 1, आपको एक चित्र बनाने की जिम्मेदारी दी गई है जो उपहार के रूप में स्कूल के एक अतिथि को दिया जाएगा। चित्र पूरा करके आपने अपनी शिक्षिका को समारोह की पूर्व संध्या पर दिखाया। शिक्षिका ने उसमें कुछ चीजें सुधारने को कहा। आप जानते हैं कि ये सुधार रात तक नहीं किए जा सकते, आप क्या कहेंगे? यह जवाब, हमें अतिथि के लिए कोई और उपहार लाना चाहिए।
अनुचित है क्योंकि इसमें कारण नहीं बताया गया है। यह जवाब ठीक है, पर यह एक उपहार ही तो है, इसमें इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता है। अनुचित है क्योंकि इसमें अलग नजरिए को उचित तरीके से व्यक्त करने का प्रयास नहीं किया गया है। इन दोनों जवाबों से असहमति झगड़े में बदल सकती है। यह जवाब, मुझे डर है कि इतने कम समय में मैं ये चीजें नहीं बदल सकती या सकता, तो क्या हम यह ऐसे ही दे दें या फिर कोई और उपहार लाएं। उचित है, इसमें अच्छी तरह समझाया गया है कि चित्र को क्यों नहीं बदला जा सकता और नया विकल्प भी सुझाया गया है। आपने कौन सा जवाब चुना था? प्रश्न दो। आप अपने दोस्त से मिलने उसके घर गए हैं। उसकी माँ ने आपको चाय बनाकर दी। आप चाय नहीं पीते। आप उन्हें क्या कहेंगे? ये जवाब, आंटी मुझे चाय बिल्कुल पसंद नहीं है और छी मुझे समझ नहीं आता कि लोग चाय क्यों पसंद करते हैं। अनुचित है। इनमें असहमति व्यक्त करने के लिए उचित स्वर और हाव भाव का प्रयोग नहीं किया गया है। जबकि यह जवाब, मुस्कुराकर कहेंगे, धन्यवाद आंटी, मुझे चाय पीने की आदत नहीं है, मैं सिर्फ पानी पीऊंगी या पीऊंगा, उचित है। इसमें दूसरे व्यक्ति की भावनाओं का आदर किया गया है और सही शब्दों व हाव भाव का प्रयोग करते हुए असहमति व्यक्त की गई है। आपने कौन सा जवाब चुना था? जिन छात्रों ने सही उत्तर चुने थे उन्हें बधाई। चलिए अगला सत्र शुरू करते हैं।